सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफिशियल चैनल को और दबाइए ये बेल आइकन हमारी टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सामार, आप देख रहे हैं ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जो आपके स्टेटस बार को बिल्कुल ही चेंज कर देगी जैसे आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टेटस बार ओरियो एंड्रॉयड की तरह लगे तो वैसा ही लगेगा, और आप चाहते हैं कि नोगेट की तरह लगे तो वैसा ही। कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं उस तरह आप अपने फ़ोन में स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। हमने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमें सर्च करना है मटेरियल नोटिफिकेशन शेयर्ड। कुछ टाइम पहले जो टॉप पे चल रही थी वो यहाँ पर सेकंड एप्लीकेशन जो आ रही है मटेरियल स्टेटस बार, ये टॉप पर चल रही थी कुछ टाइम पहले, लेकिन अब जो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन आ रही है मटेरियल नोटिफिकेशन शेयर्ड, ये टॉप पर आ गई है क्योंकि ये इतना ज़्यादा कस्टमाइज़ कर चुकी है अपने आपके नोटिफिकेशन बार को कि आप जो है तंग रह जाएंगे। तो सिंपली हम इसको एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन हमने ओपन की है, यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। जैसे हमने इस एप्लीकेशन को ऑन कर दिया है, यहाँ से आप पैनल थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके पहले हम अपनी नोटिफिकेशन बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये इसका नोटिफिकेशन बार है। सिंपली इसके टूगल्स भी आप चेक कर सकते हैं, इसके टूगल्स सारे टूगल्स काम करते हैं। यहाँ से आप टूगल्स को भी एडिट कर सकते हैं, जो चाहे आप टूगल्स लगाना चाहते हैं। कैमरे का भी टूगल है, क्लॉक का भी है, स्क्रीन टाइम आउट का भी है, आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने कस्टमाइज किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर की एक हमारे पास नोटिफिकेशन है जो कि ग्रीन कलर की है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर का कलर ग्रीन होता है। तो ये अपने एल्गोरिथम से उसको चेक कर लेता है कि कौन सा कलर है और उसके हिसाब से इसको सेट कर देता है। लेकिन ये एप्लीकेशन आपको थोड़ी सी सेटअप करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप ओरियो को करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देते हैं। एक ईएक्स होता है, ईएक्स जो आपके फ़ोन का डिफ़ॉल्ट होता है वही आ जाएगा। ओरियो पे आपका जो हमारा अभी लगा हुआ है आप देख सकते हैं ओरियो का, ये है। और लास्ट है नोगट, नोगट भी आप देख सकते हैं ये नोगट की तरह हो गया है। तो सिंपली हम वापस इसको ओरियो कर देते हैं। और दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं कि जिसका कलर चेंज हुआ है ग्रीन कलर, ये कैसे हुआ है? सिंपली हम नोटिफिकेशन थीम में जाते हैं और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। एक सिस्टम डिफ़ॉल्ट, दूसरा है कलर्ड, हमने कलर्ड पे किया हुआ है तो इस वजह से वो पूरा बॉक्स जो है आपका कलर्ड हुआ है। अगर हम लाइट पे कर देते हैं तो उसका जो टेक्स्ट होगा, जो एप्लीकेशन का नेम है देख सकते हैं, वो ग्रीन कलर का है, बाकी सब लाइट है। तो यहाँ से आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर भी, ये जो हमारा वाइट आ रहा है, आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं, फोरग्राउंड कलर कर सकते हैं, ब्राइटनेस जो इसका स्लाइडर है, ब्राइटनेस स्लाइडर आप ये देख सकते हैं, ब्राइटनेस स्लाइडर इसको आप चेंज कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, नोटिफिकेशन एक्सेंट जो उसका टेक्स्ट होता है नोटिफिकेशन का, आप उसको अगर टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ऑप्शन है इसमें जो कि प्रो वर्जन में, लेकिन उसकी आपकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो आप उसको बाय कर सकते हैं। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे चूज़ प्रोफाइल पिक्चर आप लगा सकते हैं, ब्राइटनेस स्लाइडर अगर आप चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर ऊपर आ रहा है वो बॉटम पे आ जाएगा, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। और हाइड नोटिफिकेशन का भी इसमें ऑप्शन आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऐप है और आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इसका एक और फीचर मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहले हम होम पे चले जाते हैं और अपने म्यूज़िक प्लेयर में चले जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक म्यूज़िक प्ले करता हूँ, उसको पॉज कर देता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन हमारे पास आ गई है। ये देखिए इसका नोटिफिकेशन बार किस तरह से आ रहा है, जैसा इसका थंबनेल है उसी के मुताबिक इसका नोटिफिकेशन बार आ रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, आप यहाँ से इसको पॉज प्ले भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, आई होप आप इसको यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एप्लीकेशन आपको कैसे लगी।
और ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सजेस्ट कीजिए कि किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले इस वीडियो को थम्स अप कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी वीडियो में नहीं किसी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।